नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां नोटिस भेजा है, लेकिन इससे ज्यादा सुर्खियों में है एक और छापा। विपक्ष के नेताओं के बाद अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सीबीआई के निशाने पर हैं। सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई का छापा पड़ा है। जम्मू कश्मीर समेत 30 ठिकानों पर छापे कीरू हाइड्रो पावर रिश्वत ऑफर केस में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं मलिक। 2019 में पुलवामा कांड के वक्त राज्यपाल थे और मोदी और बीजेपी के खिलाफ काफी मुखर हैं, काफी मुखर होकर बोलते हैं। मलिक ने पुलवामा को लेकर सवाल उठाए थे, पुलवामा कांड की जांच में देरी पर भी सवाल उठाए थे। किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रहे हैं मलिक और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक पर ये छापे कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में डाले गए हैं। सत्यपाल मलिक 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सूत्रों के मुताबिक जिस कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है, उस घोटाले का पर्दाफाश खुद सत्यपाल मलिक ने किया था। मलिक ने कहा था कि चेनाब नदी पर बनने वाले कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सिविल वर्क का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया। मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस काम का ठेका दिलाने के लिए उनको 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई की तरफ से अभी इन छापों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सत्यपाल मलिक का कहना है कि मैं बीमार हूं, 3-4 दिन से घर पर हूं, मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से डरने वाला नहीं हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड के वक्त सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इस कांड को लेकर वो केंद्र सरकार और एजेंसीज पर सवाल उठाते रहे हैं। इस छापेमारी के बाद सियासत और तेज हो सकती है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं असित नाथ तिवारी और साथ ही बीजेपी से हैं नीरज कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीरज जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि क्या मोदी सरकार विसल ब्लोअर्स को भी परेशान करेगी? सत्यपाल मलिक जो खुद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने वाले थे, उन्होंने खुद बताया कि 300 करोड़ की रिश्वत पेश की जा रही थी उनको, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया और अब उन्हीं के घर पे छापेमारी हो रही है, क्या मतलब है इसका? इस देश में एक बड़ा विचित्र सा नैरेटिव सेट हो रहा है, चोरी और सीना चोरी। आप चोरी करें, भ्रष्टाचार करें, अपराध करें और कार्रवाई हो तो आप मोदी का नाम ले लें कि मोदी कार्रवाई कर रहे हैं। आप याद करिए, ये जो कीरू हाइड्रो पावर का जो केस है, यह पहले जम्मू कश्मीर स्टेट विजिलेंस के अंदर ये केस था, उसने इस केस को दर्ज किया था और उसने जांच की थी और इसमें उसने कुछ पाया था, ये जो भी यहाँ था, तो उसने इसको सीबीआई को केस को सौंपा। तो सीबीआई अब जांच कर रही है। इन्होंने कहा था कि मुझे 300 करोड़ घूस देने की पेशकश की गई थी, ये मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए। इन्होंने झूठ बोला या सच बोला, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। और पिछले बार भी इनके सीबीआई पहली बार नहीं गई, पहले भी गई थी और बाकायदा इनसे टाइम लेकर, इनकी सुविधा सहूलियत का ख्याल रखते हुए इनसे पूछ कर, इनके बताए गए समय और ठिकाने पर सीबीआई की जाके इनसे पूछताछ की थी। लेकिन ये कोई सबूत, ये बरमूलेपन में बोल तो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, पुलवामा हो गया, यहाँ 300 करोड़। अरे आप सबूत तो देंगे ना, आप एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, आप गवर्नर जैसे मर्यादित पद पर रहे हैं, आप ऐसे कुछ बोल देंगे? झूठ बोलने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने आपको कुछ खिला दिया होगा, कुछ चढ़ा दिया होगा, चढ़ावा आपको, आप उसके फेरा में आके इतने बड़े बोले हो जाएंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर आपको पेशकश की गई है 300 करोड़ घूस की, तो आप उसका सबूत दीजिए। आप सबूत क्यों नहीं दे रहे? सीबीआई, मुझे जो जानकारी है, सीबीआई इतनी ही बात इनसे पूछ रही है कि आप उसका पुख्ता सबूत दीजिए। लेकिन नीरज कुमार जी, जैसे आपने बोला कि वो एक सम्मानित पद पर थे, गवर्नर थे, तो क्या इस तरह की जो उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, क्या वो शोभा देता है? अगर उन्होंने खुद कहा था कि इतना उनको घूस ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और उन्होंने ये भी बात साफ कही थी कि सीबीआई अगर मुझसे पूछेगी तो मैं नाम तक बताऊंगा, तो फिर क्या ये तरीका ठीक है? और ये पहले क्यों नहीं हुआ, आज ये करने की जरूरत क्यों है? नहीं नहीं, मैंने अभी अभी कहा कि सीबीआई शायद मई में ही अप्रैल या मई में, पिछले ही साल इनसे इनका समय लेके पूछताछ करने गई थी,
ये टीवी पे आके बयान तो देते हैं कि मैं नाम भी ले लूंगा, सबूत दूंगा, लेकिन जब सीबीआई किसे रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है कि आप कोई सबूत दीजिए, तो कुछ सबूत ही नहीं देते, सिर्फ बरगलाते हैं, टालते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। इनके पास अगर सबूत है तो इनको सीबीआई को देना चाहिए कि हाँ ये सबूत इनके पास है, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ना। अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, वही हाल इनका हो गया है, तो गुलफाम अब मारे जा रहे हैं। इनको इस तरह से झूठ बोल के भाजपा को, संघ को बदनाम करने की कोशिश इन्होंने की, झूठ बोल के। अगर सच बोल रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं, अगर इनकी बात में सच्चाई होगी और तो उसमें कोई भी होगा बक्सा नहीं जाएगा, लेकिन आप सबूत तो दीजिए, और आप और आपके आधार पर ही इसकी जांच हो रही है, आपके बयानों के आधार पर ही जांच हो रही है, आपको सबूत देना चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ टीवी पे आके बोलने से काम नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? लगातार मलिक साहब जो हैं मोदी और बीजेपी के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं, काफी बातें कहते आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो छापे पड़ रहे हैं वो मोदी और बीजेपी विरोध से उसका कोई कनेक्शन है? गुप्ता जी, जी बताइए जी, ने बहुत ही चतुराई से जो भाजपा का काम है वो किया, झूठ बोलना। इन्होंने कहा कि पहले खूब चोरी कीजिए और बाद में जब जांच हो तो कहिए कि मोदी जी जानबूझ के कर रहे हैं। सवाल तो किसी ने आज उठाया ही नहीं। ये तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः झूठ है और यही भाजपा की कला है। मेरे से ये नहीं पूछा जाता कि मोदी जी ने जानबूझकर कार्रवाई की, तब पूछा कि एक आदमी जो मोदी के खिलाफ बोल रहा है वो सीबीआई ईडी सबकी निगाह में बड़ा कसूरवार होता है, घोटालेबाज होता है। सीबीआई और ईडी के पास कई तरह के सबूत होते हैं उसके खिलाफ, लेकिन जैसे ही वो आदमी मोदी के पाले में जाके खड़ा है, सीबीआई और ईडी के सारे सबूत खत्म हो जाए और वो आदमी पाक साफ हो जाता है। सवाल इसके इतना फरेब आप लोग कीजिए सार्वजनिक तौर पर। अशोक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले जनते वो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में गए, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। अब नरेंद्र मोदी जी का 1.5-2 महीने पहले का बयान याद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था शहीदों की विधवाओं के लिए बनने वाले घर में घोटाला कर लिया। इनका चरित्र की अशोक चौहान, शहीद की विधवाएं रो रही हैं, उनका पति शहीद हुआ है और उनके लिए बने घर खा गया। और वो अशोक चौहान कांग्रेस में जिस दिन गए, अगले दिन राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किए गए। रुक जाइए नीरज भैया, एक दो उदाहरण और दे दूं, हजारों उदाहरण है, 2-3 दर्शकों के बीच चले जाने चाहिए। अजीत पवार जी, नरेंद्र मोदी जी गए मुंबई, महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली हुई और बोले देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटालेबाज अजीत पवार, जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में आए, 3 दिन बाद मंत्री बनाए गए, उसके 6 दिन बाद ईडी की तरफ से क्लीन चिट दे दी। मैं कुछ बड़े उदाहरण ही दे रहा हूं। हसन मुशरीफ, चीनी मिल घोटाले का आरोपी, जिंदगी जेल में बीत जाएगी देखिएगा, मोदी जी ने कहा था। और हसन मुशरीफ भारतीय जनता पार्टी में आए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हो गए। शारदा नारदा चीट फंड घोटाले का आरोपी आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और ईडी से क्लीन चिट पा चुका है। सवाल इस पर उठाए जाते हैं नीरज जी, सवाल इस पर नहीं कि किसी चोर पर सरकार कार्रवाई करेगी तो कोई सवाल उठा देगा। भारत की राजनीति भाजपा की तरफ बेशरम नहीं हुई है। सवाल इस पर है कि 3 दिन पहले तक जो देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज होता है चक्की पीसिंग मोदी जी करवाते हैं, 3रे दिन वो पाक साफ हो जाता है, वो राज्यसभा पहुंच जाता है, वो मुख्यमंत्री हो जाता है, वो मंत्री हो जाता है। सवाल इस पर है कि घोटालों की वो बड़ी राशि जिसे मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं देश का सबसे बड़ा घोटाला, उतनी बड़ी राशि में से मोदी जी को कितनी मिली, अमित शाह को कितनी मिली, संघ परिवार को कितना गया, ईडी को कितना गया, ये बताने वाला कोई नहीं। यूं ही तो पाक साफ नहीं हो गए, देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज यूं ही तो मंत्री नहीं आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोई दूसरी पार्टी में है तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ जाता है तो सबसे ज्यादा पाक साफ हो जाता है, ये क्या चक्कर है? अच्छा, इनकी बातों को सुन के मुझे लग रहा था अतित नाथ तिवारी जी की बातों को बड़ा लय में
अपने ही सरकार पे ये आरोप लगा रहे थे, उन्होंने जिन जिन का नाम लिया और जिस समय के घोटाले की बात की सब उस समय तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये अच्छा है कि अपने ही सरकार के घोटालों को गिनवा रहे हैं। चलिए कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया कि कांग्रेस राज्य में वहां जो मोदी जी ने कहा था उसमें सच्चाई थी, इस बात को मानते हैं। तभी तो ये लगातार रिपीट टीवी डिबेट में करते रहते हैं, ये साबित हो गया कि मोदी जी ने झूठ बोला। तो क्लीन चिट दिया, आपकी बात को मैंने शांति से सुना। अब आपकी सरकार ने क्लीन चिट दिया, मतलब ये साबित हुआ कि चुनावी रैलियों में इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलता है। क्यों आपको नीरज भैया एक छोटी सी लाइन है बस, क्यों आपको नीरज भैया एक एक छोटी सी लाइन आपकी ही सरकार ने उन तमाम आरोपियों को क्लीन चिट देके ये साबित कर दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में सरासर झूठ बोलता है। ये नहीं साबित हुआ कि हमारी सरकार भ्रष्ट थी, ये साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी इस देश में सरासर झूठ बोलने वाले नेता है और लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाले नेता है, क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठा एक व्यक्ति अपने विरोधियों के खिलाफ रैलियों में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। ये साबित होता है नीरज भैया, कहां दूसरी तरफ चले गए आप। नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट आज एक कांग्रेसी को नहीं दिख रहा, बाकी पूरे देश और दुनिया को दिख रहा है। लेकिन 50 साल पहले आप उनकी बात का पहले जवाब दीजिए कि भाई दूसरी पार्टी में थे तो भ्रष्ट थे, आपकी पार्टी में चले गए तो सब पाक साफ हो गए। पहले तो ये क्या, ये कैसा फंडा है? देखिए मैं इसका बड़ा कोई पाक साफ या भ्रष्ट की बात नहीं है। मैं परास्पष्ट बताऊं, किसी पर से भी जांच की कार्रवाई को समाप्त करने का ऑर्डर नहीं दिया गया। जांच अपनी गति से हो रही है। एक वहां की डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट को भी सीबीआई देख रही है, वो अपनी गति से जांच कर रही है। वो हमारे यहाँ आ गए तो हमने उनको बचा लिया और जांच रोक दिया, ये सरासर गलत बयानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ अलबत्ता ये है कि चूंकि कांग्रेस अब एक डूबती नैया हो चुकी है, उनके नेताओं को अभी ये मालूम हो चल पड़ा है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो वो छोड़ छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं तो इन लोगों की व्याकुलता बेचैनी बड़ी स्वाभाविक है, कुछ का कुछ तो ये बोलेंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि अब डूबती नैया की सवारी कोई करना नहीं चाहता। छोड़ छोड़ के सारे नेता पूरे देश से आप देख लीजिए, अभी मतलब आज या कल मध्य प्रदेश से 1500 कांग्रेसी एक साथ ज्वाइन कर लिए भाजपा को, तो हर जगह इनके बड़े नेता छोटे नेता कार्यकर्ता सभी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वाभाविक है इनकी व्याकुलता बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि इस लोकसभा में कांग्रेस को 30 से कम सीटों पर हम लोग को समेटना है। हमारा 400 पार का लक्ष्य है। दूसरा ये भी है कि कांग्रेस को 30 से कम सीटों पर समेटना है, और इस बात को कांग्रेस ही समझ भी रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स को सीरियसली नहीं लेते हुए जब अभी चुनाव का समय है। नीरज जी की जो दूसरी तरफ रहेगा तो क्या आप उसको छोड़ेंगे नहीं? मतलब ये जो कीरो हाइड्रो पावर का जो ये पूरा घोटाला है, जिस आदमी ने इसको पूरा उजागर किया उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, उजागर किया तो उनको सबूत देना चाहिए ना। सीबीआई से और कुछ नहीं पूछ रही अभी तक जो मेरी जानकारी है, और सीबीआई का भी कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया। सीबीआई ने उनसे यही पूछताछ कर रही है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप इसका सबूत दीजिए। आप सबूत दीजिए तो अगर आप जाके छापेमारी कर रहे हैं, उनके घर पे कर रहे हैं, उनके अगल बगल वालों पे कर रहे हैं, तो ये तो मेंटल हैरेसमेंट भी तो है ना। क्यों मेंटल हैरेसमेंट है? क्यों मेंटल 30 जगह? आप देखिए पिछली बार की छापेमारी में 20 लाख रुपया नगद पकड़ाया था, इसके पहले सीबीआई ने किया। सीबीआई को तो लिंक मिल रहा है, तार मिल रहा है, टीवी पे बयानबाजी कर रहा हूँ। 20 लाख नगद पकड़ाया था जिसके तार इसी से जुड़े थे, कीरो हाइड्रो पावर केस से जुड़े हुए थे। तो उसी बेसिस पे सीबीआई और सबूत की तलाश में, सबूत जुटाने के लिए, अपने आधार को पुख्ता करने के लिए सीबीआई अपना काम कर रही है। और सीबीआई के काम में इनको मुझे लगता है कि सहयोग करना चाहिए। इनके एक मीडिया एडवाइजर, इनके कोई सलाहकार, उनके यहाँ छापा पड़ा, और वहां से भी मैं बता दूं आपको कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कुछ कैश बरामद हुए हैं, तब जाके इनके यहाँ जिस तरह से रेट पड़ा है। और सीबीआई का बयान आने दीजिए तब हम लोग कुछ, चूंकि अभी तो आप लोग कहते हैं ना कि सरकार में कुछ करती नहीं, जब तक सीबीआई कुछ बाहर नहीं लाती हम लोग उस पर क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सत्यपाल मलिक जी अगर आरोप लगाते हैं तो उनको इसका पुख्ता सबूत देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विपक्षियों का के कंधे का सहारा लेकर, कांग्रेसियों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, उनसे एहसान फरामोशी करवा रहे हैं। ये काम उनको बंद कर सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर वो सबूत दे कोई भाजपा का नेता कार्यकर्ता कोई भी,
इसमें शामिल पाया गया, तय मानिए उस पर भी कार्रवाई होगी। ये मोदी की गारंटी है कि सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता। और ये कहना कि चुनाव नजदीक है, ये है वह कुछ भी हो, कानून को अपना काम करना बंद नहीं करना चाहिए। कानून अपनी गति से देश में अपना काम कर रहा है, उसे काम करने देना चाहिए। हमेशा कानून सीमित जांच एजेंसियों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बताइए, और बोल दू, जांच एजेंसी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि सीबीआई ईडी इनका तोता है। ये भाजपा के विषय में किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। ये हमारी टिप्पणी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। क्योंकि दुरुपयोग ये करते थे तो उसी मेंटेन स्टेटस में ये लोग हैं अभी तक। इनको लगता है कि भाजपा भी ऐसा करती होगी। साहब, भाजपा ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि आप लोग करते थे, आप लोग इसकी हैबिट थी। और उसी मेंटेन स्टेटस में आप आज भी थोड़ा बाहर निकलिए, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस स्थापित हुआ देश में, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिटिक्स स्थापित हो गई है। अब वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। चलिए असित नाथ जी, बताइए, जवाब दीजिए, इनका मोदी की गारंटी दे रहे हैं जो भी पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी? नहीं, इस देश में मोदी की गारंटी इस बात को लेकर जरूर आप में से कोई भी जितना बेड़ा दे, जितनी संपत्ति लूट, पर मोदी जी को चढ़ावा चढ़ा दे तो उसे किन चीट मिल जाए? ये मोदी की गारंटी। आज तक मूल सवाल से नीरज जी कैसे आप लोग मोदी जी पर कांग्रेस को 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी? नीरज से मत एनडीए सरकार को एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। सुनिए ना, इसमें अभी भी मेरे जैसे कुछ लोग मोदी जी के लिए बोल ले रहे हैं। सुनिए जी, उन्होंने बहुत ही सब्र से आपकी बात सुनी, अब आप भी उतने ही सब्र से सुनिए। बताइए बताइए असद नाथ जी, बताइए। जो मूल सवाल था जी, उस मूल सवाल से नीरज जी भाग गए और कहां में अपना पूरा का ये निपटा गए। मूल सवाल तो ये था ना, उन्होंने ये पूछा था कि भाई इसका ये आरोप है कि जो आता था तो कार्रवाई क्यों बंद है, वो बात आप कह आसाम के मुख्यमंत्री है। एक बार फिर से प्लीज अपनी बात रिवाइन करने के सातवें दिन ही ने उसमें उनको अजीत पवार जी से शायद ऐसी डील हुई थी कि आप क्लीन चिट दें तब हम उधर से आएंगे। ये थोड़ा मुश्किल लगा तीसरे दिन उनके ज्वाइन करने के तीसरे दिन उनको की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी। नहीं पता प्रतिष्ठात्मक रूप से झूठ अगर ये नहीं बोलेंगे तो भाजपा में रहे भाजपा जाते हैं कि वहां है वहां, मतलब झूठ अगर नहीं बोलते नहीं पसंद किया नहीं करके छुपा रहे हैं तो देश भी आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस चाहते हैं क्या? मैंने एक सवाल उठाया, अब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि सत्य नीरज जी नहीं, नीरज जी सुन लीजिए, नीरज जी सुन लीजिए, आवाज कह रहे हैं कि सवाल मलिक के आरोप लगा पेश करें। नीरज जी सुनिए, सबूत पेश करें। आरोप लगाने वाला है जब सबूत पेश कर दे तो खरबों खरब रुपया जांच एजेंसियों पर क्यों खर्चा करें? सीबीआई सबूत जुटाने के लिए अपना काम कर रही है, वो सबूत इकट्ठा कर रही है। अभी कोई आधिकारिक बयान उसने नहीं दिया है इसमें से। तो रास्ती गाड़ी चाहिए, सुन, रास्ते में मेरे साथ लूटपाट हो जाए तो उसका सबूत मैं रोड पर खोजूंगा, सीसीटीवी कैमरे लगा के रोड पर चारों तरफ पर निकलूंगा कि कल को घटना हुई तो मुझे सबूत देना पड़ेगा। सबूत एजेंसी का काम है, सत्यपाल मलिक का काम नहीं है। और सुन लीजिए, आप बीच में फिर बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। देखिए अभी भी कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं इन सब छापेमारी से। मतलब जो आरोप लगाए वही सबूत भी लेकर आए, वरना इनकी एजेंसी आरोप लगाने वाले के यहाँ छापा मार देगी। एजेंसी नहीं तलाशेगी, एजेंसी तो इनके आईटी सेल के लिए काम करेगी ना। घटना तो मैं ही सबूत भी पेश करूं, वरना आके पुलिस वाले मुझे ही पकड़ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास, और दूसरी बात इन्होंने कहा सबूत दूंगा इसका। अरे सुन तो लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए ना, क्यों नहीं दे रहे सबूत? सुनिए का धैर्य रख लिया। भाजपा के लोगों में बदहवासी बहुत है, बड़ा बदहवास रहते हैं आप लोग।
लगते हैं बीच में चीखने चिल्लाने, कुछ लोग छाती बाल भी नोचने, बाल बाल नोचने लगते हैं। सुनिए, हम सभी कार्यकर्ताओं का बदहवास मत होइए, बदहवास मत होइए। आपने एक और बात कही, सीबीआई उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास सबूत है, सबूत आपको कैसे पता है सीबीआई वाले क्या पूछ रहे हैं? भाजपा की तरफ से सीबीआई को प्रश्न जा रहा है क्या, या सीबीआई वाले सारे भाजपा दफ्तर भेज रहे हैं कि सर ये पूछ लीजिए क्या पूछना है? आपके बात पता कैसे कि सीबीआई वाले क्या पूछताछ कर रहे हैं? ऐसा है कि सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसीज को आप लोगों ने अपना वॉलंटियर बना रखा है, अपना वॉलंटियर बना रखा। आपकी तरफ से प्रश्न जाता है व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, ये पूछो, ये पूछना नहीं, ये मत। नीरज जी, ऑपोजिशन देखिए, पहले भी ईडी की ओवररीचिंग पावर्स पर, आर्बिट्री पावर्स ईडी को देने के लिए पहले भी विरोध करता रहा है, सवाल उठाता रहा है, और हमेशा ये रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए उसको मिसयूज किया जाता है। और आप और उनका ये कहना है कि पिछले काफी समय से ये चीजें देखने को मिल रही है। अभी आप अरविंद केजरीवाल का ही मामला देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग पर सवाल तो उठ ही रहा है। तो टाइमिंग पे सवाल उठाना राजनीति से प्रेरित है। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव नजदीक है या देखकर इस देश में कानून अपना काम करना बंद कर दे क्या, लोगों को मुक्त कर दे क्या? भ्रष्टाचार अपराध करते रहिए लेकिन चुनाव नजदीक है इसलिए कानून कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सब कांग्रेस और जो इसके यूपीए अलायंस ऑफ इंडिया रहा नहीं, जो यूपीए थे उनकी थोथी दलील मात्र है और कुछ नहीं। कानून अपनी गति से अपने हिसाब से काम करता है, कानून तो चुनाव के दिन भी अपना काम करता है, अभी तो चुनाव नजदीक ही है, तो इस तरह का तर्क नहीं देना चाहिए। और अभी इन्होंने हमसे पूछा कि सीबीआई आपको कैसे पता चल गया, इतना जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, ये बताइए अभी अप्रैल में भी मई में भी सीबीआई ने उनसे समय लेकर पूछताछ किया था, मैंने पहले भी कहा, और वो सीबीआई ने इस चीज को चाइन भी किया था कि उनसे सीबीआई ने इसका सबूत पूछा था। सबको मालूम है, पता नहीं आप फिर आप ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपके विषय में ये नहीं कह सकता कि आपको मालूम नहीं, चूंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, लेकिन चूंकि आपके पार्टी की बात है आप इसको बरकराना चाहते हैं, दिशा को आप कुछ बोल रहे हैं। अदरवाइज सीबीआई ने कहा था, मीडिया में था, अखबार में था कि उनसे सबूत मांगे गए थे कि आप जो आरोप लगाए उनसे सबूत दीजिए, वो नहीं दे पाए, और उनके सहायक मीडिया एडवाइजर के यहाँ और कुछ जगहों पर 20 लाख रुपये नगद पकड़ाए। मैं तो बताइए पूरी बातें तो मीडिया रिपोर्ट में है, ये सीबीआई मुझे क्यों बताएगी? ये सब कुछ भी बोल के कांग्रेस अपना चेहरा नहीं बचा सकती। चलिए तो असित नाथ जी, चलते चलते क्योंकि अब वक्त की कमी है, आप क्या कहना चाहेंगे? नीरज जी ने तो अपनी सफाई में जो आपको बता दिया, अपनी बात कह डाली, अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं तो बस एक ही प्रश्न मेरे दिमाग में हर बार रहता है कि 3 दिन पहले तक जो आदमी देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज था, 7वें दिन उसे क्लीन चिट, ये चमत्कार होता है जी के साथ आप खड़े हो जाइए। तो इसमें दो ही पक्ष नजर आते हैं, पहला पक्ष ये, या तो उस घोटाले का बहुत बड़ा अमाउंट मोदी जी और उनके गिरोह को थमा दिया गया कि क्लीन चिट मिल गया, या फिर कोई घोटाला हुआ ही नहीं था और मोदी जी ने सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए सरासर झूठ बोला था। ये दोनों शर्मनाक है। अगर मोदी घोटालों का पैसा खा के क्लीन चिट दिलवा रहे हैं तो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर मोदी चुनाव जीतने के लिए बड़े नेताओं को लांछित कर रहे हैं तो देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक इस तरह से झूठ बोलेगा, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। नीरज जी, मंत्री बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसका पैसा हजम करके उसे मंत्री बनाए, बक्सा नहीं जाएगा, उसका पैसा लेकर उसे मंत्री बनाए। भ्रष्टाचार कीजिए और मोदी सरकार में मंत्री बना दिया, दाग नहीं है, कलंक नहीं है, पकड़वाए ना इन सरकार में, नीरज जी सरकार में किसी इतनी ताकत नहीं कि सरकार में शामिल कोई नेता कार्यकर्ता कोई लोग भ्रष्टाचार कर ले, सारे लोग चुप रहे हैं। और जैसे ही दूसरा कोई बोलेगा पागल हो जाते हैं ये लोग अचानक। क्या बोले? आप अपनी बारी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बोल लेते हैं, दूसरे बारी आती आप लोग बदहवास हो जाते, अचानक बदहवास हो जाते हैं, तो कंट्रोल रखिए थोड़ा सा। तो ये मोदी जी की गारंटी है, पार्टी छोड़ के बड़ा लुटेरा मोदी जी के साथ खड़ा,
मानेंगे नहीं। कौन लुटेरा है? आचार्य पट्टी के हाथों घासी इसका नाम क्या है? इन्होंने मेरा आवाज नहीं आएंगे उसका पैसा ले उनका सारा पैसा खाएंगे और भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाएंगे। का नाम लिया क्या? नीरज जी सच्चाई है। अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब ये चर्चा हमारी दूसरी तरफ जा रही है। फिलहाल आप दोनों इस पूरी चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये चर्चा जो है उसमें अगर हम देखें सूत्रों के मुताबिक जिस कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई छापेमारी कर रही है उस घोटाले का पर्दाफाश खुद सत्यपाल मलिक ने ही किया था। मलिक ने कहा था कि चेनाब नदी पर बनने वाले कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सिविल वर्क का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया और उन्होंने साथ में एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस काम का ठेका दिलाने के लिए उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की जा रही थी और सीबीआई की तरफ से अभी इन छापेमारी पर लेकिन कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बारे में और जानकारी मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।